कैलाश जी, राजू नारंग जी, बताएंगे कि जो कैंप में आपने पालकी निकाली आज, ये एक रूटीन बना लिया है या पहली बार निकाली है आपने? नहीं नहीं, आज दूसरी बार निकाली है, तो ये हर हफ्ते ही निकाली जाएगी, हर संडे के संडे सुबह 10 से 2 बजे के बीच में। अगर कैंप में, कॉलोनी में या ओमेक्स में, पलवल में, मतलब कोई भी अपने घर के लिए बुक कराना चाहता हो संडे के लिए, तो हमें बुला सकता है, बता सकता है। सेठ साहब, कोरोना काल में ब्रेक हो गया था, एक साल का लंबा अंतराल रहा है, मंदिरों में या मस्जिदों में, कहीं भी धार्मिक स्थलों में कोई एक्टिविटी नहीं हुई। पालकी निकालने के बाद, एक साल के बाद निकालने के बाद, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं कि हम तो चाहते हैं कि ये कोरोना जल्दी जल्दी खत्म हो और भक्त जल मंदिरों को जाकर दर्शन कर सके। सेठी जी, जो पालकी निकाली आज, कितने घरों में गई थी और क्या क्रेज रहा श्रद्धालु में? ऑलमोस्ट 7 से 8 घरों के अंदर निकाली जा रही है, और क्रेज मतलब पब्लिक को लेकर अगर बात करते हैं तो बाबा के लिए सबकी श्रद्धा जैसे पहले थी वैसे ही आज है, और लोग बीच बीच में रुकवा भी रहे हैं कि हमारे घर पे लेके आओ, बहुत ज़्यादा क्रेज है लोगों को, तो वो चाह रहे हैं कि जैसे पालकी इस टाइम निकाली जा रही है, आगे भी निकालते रहे। हर संडे का जैसे प्रोग्राम बताया राजू भाई ने, तो हर संडे का प्रोग्राम हमारा फिक्स हो चुका है, आगे का प्रोग्राम जैसे होता है हर संडे हम बुकिंग पे चल रहे हैं। सेठी जी, जो यहाँ पर दान आता होगा, दान भी आता है, तो उस दान का आप क्या करते हैं? आप दान का मंदिर में, जैसे पता है कि श्री साईं करोड़ों का मंदिर बन रहा है, बड़ा मंदिर बन रहा है, तो मंदिर को फंड्स की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो जो भी फंड्स इकट्ठा हो रहा है पालकी के थ्रू, वो सारा मंदिर में लगाया जा रहा है, तो जो भी पालकी करवा रहा है, जो जिसके घर में पालकी जा रही है, वो मंदिर में आके देखे कि किस संस्था ने क्या क्या मंदिर बनवा रखा है, तो उसमें जो भी डोनेशन आ रही है वो सारा मंदिर के कार्य में ही लगाया जा रहा है। मौसम में बदलाव आ गया, सर्दियों के बाद अब मौसम आ गया है गर्मी का, साई संध्या भी होती थी पहले, काफ़ी होती थी, तो साई संध्या का दौर एक बार फिर से शुरू होगा, क्योंकि कोरोना का एक साल बीत चुका पूरा। संध्या का दौर होगा शुरू, बिल्कुल ही, अभी पालकी जैसे निकाल रहे हैं, जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है तो संध्या शुरू करेंगे, क्योंकि पालकी का टाइम जो है वो 10 से 2 है। अभी हमारी जो भाभी हैं प्रिया नारंग जी, वो संध्या कर रही हैं, रेगुलर बेसिस पे कर रही हैं, उनकी आज भी शायद संध्या है, तो हर संडे उनकी बुकिंग रहती है, पहले हम पालकी निकालते हैं और बाद में संध्या का प्रोग्राम करते हैं भाभी जी। पालकी निकाली है आपके यहाँ, बताएंगे क्या सीन रहा आज का?
बस आज का तो बहुत ही ज़्यादा जो साईं भगत है उन्होंने बहुत ज़्यादा साथ दिया, बहुत उत्साहित थे, करेज थे, क्योंकि बहुत टाइम बाद साईं पालकी निकाली गई है। पिछले घंटे हमने कॉलोनी से निकाली थी जिसमें हमें 10-11 घर मिल गए थे, आज कैंप में जो निकाली है हमें उम्मीद थी कि 4-5 घर मिलेंगे, मगर आज भी वही हाल हो गया कि 10-11 घर मिल गए। सुबह 10 बजे स्टार्ट करी और आज जो विश्राम हुआ बाबा जी की कृपा से हमारे यहाँ, मैं रमेश कुकरेजा, जो कि हम सब साईं मंदिर बनाने के हमारा लक्ष्य था और जल्द ही पूरा हो ही गया, समझो 16 मई को मूर्ति स्थापना हमारे साईं बड़े साईं मंदिर की होने जा रही है। मैडम अभी आपने पालकी निकाली है, कब कब निकालते हैं आप? पिछले संडे निकाली है, अभी आगे आने वाले जो भी संडे आएंगे बाबा की पालकी निकलेगी। कितने घरों में जाते हैं आप लोग? 12 से 15 घर हो जाते हैं, तो पहले से बुकिंग कराते हैं उनके यहाँ जाते हैं, लेकिन कोई बोल देता है तो बाबा उनके यहाँ जाते हैं। क्या उद्देश्य है आपका पालकी निकालने का? उद्देश्य ये है कि बाबा का प्रसाद भी हो रहा है और लोग जो इच्छुक हैं कि हम अपने घर में बाबा को बुलाने जा रहे हैं, बाबा को बुलाते भी हैं और जो भी फंड आएगा वो फिर मंदिर के सेवा में आएगा, मंदिर के निर्माण के लिए। क्या जो कोरोना काल चला है, जैसे 1 साल हो गया, पिछले साल थाली भी पीटी थी है? तो इस साल कोरोना 1 साल हो गया, अब क्या रिस्पांस मिल रहा है आपको? रिस्पांस मिल रहा है? रिस्पांस तो अब तो रिस्पांस ज़्यादा मिल रहा है, आ रही है बुकिंग भी आ रही है। बाकी ये है कि कोरोना काल में, कोरोना में जैसे मास्क पहनना जरूरी है, सेकंड स्ट्रेन चल पड़ा है, क्या डर है, भय है आप लोगों को? यानी कि साई पालकी में कोरोना का भय नहीं है? जिनको कोरोना है वो घर से बाहर ही नहीं निकलते जी, आते ही नहीं, उनको पता है कि क्यों दूसरों को वो करें। क्या कहना चाहेंगे लोगों को आप पालकी के लिए, साई पालकी के लिए, साई संध्या के लिए? पालकी के लिए कहना चाहेंगे कि लोगों की आस्था बढ़ रही है, बाबा की जब पालकी निकलती है तो लोगों की आस्था भी बढ़ रही है, बाबा का प्रचार भी हो रहा है और बाबा ने हमें सेवा दी है। ये जो पालकी निकाल रहे हैं आप, ये कब निकालते हैं आप? ये हर संडे को सुबह 10 बजे से किसी एक घर से निकल के 5-6-7 घर तक, जैसे भगत लोग बुलाते हैं उनके घरों में जाते हैं और जो भी चढ़ावा आता है वो साईं करुणानंद मंदिर के लिए, जो मंदिर में 16 मई को बड़ी मूर्ति की स्थापना, जो बड़ा मंदिर तैयार हो गया। कितने श्रद्धालु इसमें हिस्सा लेते हैं, कितने घरों में जाते हैं आप लोग? 5 तो कम से कम है, उससे ज्यादा अगर कोई श्रद्धालु बुलाते तो 8-10 भी हो जाते। ये पलवल में आज साईं पालकी निकाली है आपने, कितने घरों में पालकी निकाली गई? आज कम से कम 9-10 घरों में पालकी गई थी, 9-10 घरों में पालकी गई, सबने भव्य स्वागत किया पालकी का और आशा है कि अगली पालकी भी ओमेक्स सिटी से निकालने का विचार है, जैसे भी बन पड़ेगा वैसे हम पालकी हर हफ्ते निकालेंगे। कोरोना काल का 1 साल का जो गैप रहा है बहुत, उसमें क्या कोई फर्क नजर आया आपको? थोड़ा के दिक्कत ये थी कि कोरोना काल आने से लोगों में थोड़ी सी वो थी, इतनी भीड़ इकट्ठी नहीं करनी, जितना हो सके कम से कम बंदे इकट्ठे हों, उस वजह से थोड़ा मंदिर का काम भी डिले हुआ। तेजी पालकी का विचार इसलिए बनाया कि मंदिर काम तेजी से लाया जाए और जल्द ही 16 मई को 2021 को विशाल मंदिर की स्थापना की जाएगी।